टोरेंट पावर से शुरुआत करते हैं। टोरेंट पावर में आज अच्छा मूव है, यहाँ पर महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से इनको एक बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है। और आपको बता दें कि ये ऑर्डर 2000 मेगावाट के सप्लाई के लिए, विद्युत सप्लाई के लिए है, लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो है, ये जो है 2000 मेगावाट की सप्लाई के लिए कंपनी को ऑर्डर मिला है 40 साल के लिए ESFA के तहत। ये आपको बता दें कि ये करार जो है किया गया है, महाराष्ट्र प्लान से जो है ये सप्लाई जो है वो की जाएगी टोरेंट पावर की तरफ से। लेकिन अभी अगर हम बात करें टोरेंट पावर की स्थिति की, तो जो है अच्छी खासी मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही थी जब खबर बनाई थी, 6% ऊपर था, अब करीब करीब 7% ऊपर है। 1942 टोरेंट पावर पे आपका रुख जानना चाहेंगे, टाटा पावर पे आपका रुख सकारात्मक था, क्या टोरेंट पर भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? खास तौर से अगर हम टेक्निकल चार्ट की बात करें तो कैसे पढ़ पा रहे हैं, एक महीने में 15-16% का रिटर्न तो यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? देखिए टोरेंट पावर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 16 हफ्ते का बेस बना था, ब्रेकआउट के बाद वापिस 10 हफ्ते का बेस बना है, तो बेस ऑन बेस पैटर्न है। जैसे ये स्टॉक्स 1972 का लेवल है, इसके ऊपर निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करता है, राउंड फिगर पकड़ लीजिए 2000 के ऊपर जैसे ही स्टॉक सस्टेन करना स्टार्ट करता है, इस स्टॉक में कम से कम कुछ नहीं तो 40% की अपसाइड आती हुई दिखेगी। तो लगभग आप मान के चलिए कि स्टॉक में 2700-2800 तक की अपसाइड आती हुई दिख रही है। ये प्रोबेबली 6 से 8 महीना ले लेगा स्टॉक, क्योंकि स्लो मूवर है तो 6 से 8 महीना ले लेगा, लेकिन 6-8 महीने में 30-40% का रिटर्न बहुत हैंडसम रिटर्न होगा। तो वेट कीजिए, 1972-1980 ये रेंज है, इसके निकलने के बाद आप बाई करके अगर चलते हैं तो 40% की अपसाइड आती हुई दिखेगी स्टॉक में। चलिए, तो ये फिलहाल टोरेंट पावर पर राय जो है निकल करके आती हुई।